नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। और इसी उम्मीद के साथ आज के नया वीडियो हम नया तरीके से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि थंबनेल ने आप लोगों ने देख लिया कि सिर्फ वीडियो देखकर आप लोग जीत सकते हो 5 गुना पेटीएम कैश, वो भी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों अभी तक मैं गिवअवे का प्राइस सिर्फ एक विनर को दे रहा था, तो कुछ लोगों का कमेंट है कि भाई एक विनर को सारा पैसा ना देके 5 से 10 विनर कर दो, उससे मैक्सिमम लोग पैसा जीत पाएगा। तो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि 5 गुना पेटीएम कैश जीतने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को मैच के बारे में A to Z पता चल जाएगा, जिससे आप लोग खुद बढ़िया टीम क्रिएट करके बड़ा सा अमाउंट विन कर सकते हो। तो गाइस, अगर आप आज का मैच खेल रहे हो तो इस वीडियो को बिना देखकर आप इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें। बट उससे पहले सबसे जरूरी है हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप बहुत पीछे हो, बहुत कुछ मिस कर रहे हो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का 2 सबसे आसान तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, बस लिंक पे क्लिक करके आप लोग इजीली ज्वाइन कर सकते हो। अगर लिंक हम नहीं कर रहे तो आपको अपना टेलीग्राम ओपन करना है, जाके सर्च करना है @smartrealteam। जैसे ही आप @smartrealteam लिख कर सर्च करोगे, हमारा स्मार्ट रियल टीम का टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, जहां पर 3700 सब्सक्राइबर ऑलरेडी ज्वाइंट है। इस तरह का कुछ आप लोगों को पोस्ट मिल जाएगा, लोगो वगैरह चेक कर लेना। यही चैनल आप लोगों को ज्वाइन करना है, इनके अलावा बाकी कोई भी दूसरा फेक चैनल आप लोगों को बिल्कुल नहीं ज्वाइन करना। अब हम वेदर रिपोर्ट और पिच रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि ग्राउंड में एक्चुअली क्या होता है, ज्यादा स्कोर बनते हैं या कम स्कोर बनते हैं, कितना विकेट जा सकते हैं, और इसी से पता चल जाएगा कि आपका टीम का कॉम्बिनेशन किस प्रकार होना चाहिए। वेदर की अगर हम देखें तो थोड़ा क्लाउडी है, बट मेरे हिसाब से फुल मैच होने का चांसेस है। पिच रिपोर्ट की अगर हम बात करें, बैटिंग फ्रेंडली है, पेसर्स को यहाँ पर थोड़ा ज्यादा एडवांटेज मिलता है, और जो टीम टॉस जीतेगा वो बैटिंग फास्ट करना पसंद करेगा। तो दोस्तों अब हम देखेंगे इस ग्राउंड में कितना स्कोर बना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा टोटल मैचेस। तो टोटल मैचेस अगर हम बात करें इस ग्राउंड में, अभी तक 13 मैचेस हो चुके हैं, उनमें से बैटिंग फास्ट 8 मैचेस, बैटिंग सेकेंड 5 मैचेस, एवरेज स्कोर की अगर हम बात करें तो 165 की एवरेज स्कोर है। तो गाइस इससे आप लोगों को पता चल गया कि जो टीम टॉस जीतेगा वो बैटिंग फास्ट करना किस लिए पसंद करेगा, क्योंकि बैटिंग फास्ट करके ज्यादा मैचेस यहां पर विन होता है इसलिए, ठीक है। अब हम स्कोरिंग पैटर्न पर थोड़ा नजर डालते हैं। तो देखिए 150 से नीचे अभी तक 5 बार बन चुके हैं, 150 से लेकर 170 के बीच में 2 बार, 170 से लेकर 90 के बीच में 2 बार, और 190 से ज्यादा भी 4 बार जा चुके हैं। तो मेरे हिसाब से आज का इस मैच में ना, अगर हम बात करें तो 150 से लेके 160 या 70 के बीच में या 65 के बीच में स्कोर हो सकते हैं, मतलब एक अच्छा खासा स्कोर बन सकते हैं। तो इससे हमें पता चल गया कि हमें ज्यादातर बैट्समैन और ऑलराउंडर लेके टीम बनाना है, और मिनिमम 3 बॉलर तो हमें लेना ही पड़ेगा, ठीक है। हाईएस्ट स्कोर की अगर हम बात करें 232, लोएस्ट स्कोर की अगर हम बात करें 110। तो दोस्तों यही रहा है कुछ वैल्यू स्टे, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारा कुछ डाटा क्लियर हो गया। इस ग्राउंड का लास्ट 5 मैचेस अगर हम उठा के देखें तो आप लोग स्कोर पे थोड़ा सा नजर डालो। इंग्लैंड वर्सेस इंडिया 205-198, फिर 232-201, फिर 172-173, फिर 142-149। अब आप लोग विकेट भी देख लीजिए 7-9, ठीक है, मतलब टोटल कुल मिला के 16, इसमें भी 6 और 10 16, इसमें 4 और 3 7। तो दोस्तों इससे आप लोगों को पता चल गया कि ओमेन मैच है। तो मेरे हिसाब से जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था कि 150 से लेके 170 के बीच में रन बन सकते हैं, और विकेट की अगर हम बात करें ना, तो इस मैच में मेरे हिसाब से 12 से लेके 17 विकेट इजीली जा सकते हैं, ठीक है। तो टॉप ऑर्डर का हमें बैट्समैन लेना पड़ेगा, ऑलराउंडर अच्छा लेना पड़ेगा, और बेस्ट 3 बॉलर लेना पड़ेगा। तो अब हम जिस पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि आज का इस मैच में किस प्लेयर को लेना है, किस प्लेयर को ड्रॉप करना है, और कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसको हम लोग राउंड पिक बनाकर वन साइडेड आज की इस मैच में भी जीत सकते हैं। इन सभी सवालों का जवाब आप लोगों को यहीं पर मिलेगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कैसे आप लोग जीत सकते हो 5 गुना पेटीएम कैश, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप हमारा इस वीडियो को देख रहे हो तो सबसे पहले हमारा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर देना। नेक्स्ट आपको इस वीडियो का कॉमेंट बॉक्स में आपको एक कॉमेंट कर देना है। आप देखिए आपका कमेंट पर जितना लाइक आएगा उसका 5 गुना पेटीएम कैश आपको मिल जाएगा।
ऐसा हम 5 से 10 विनर सिलेक्ट करेंगे और सभी को हम 5 गुना पेटीएम कैश दे देंगे। बट गाइस इसमें एक शर्त है मेरा कि जिसका कमेंट पे 30 से ज्यादा लाइक आएगा ना, इसी टाइप का कमेंट हम एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि इस वीडियो को ऑलमोस्ट 2 से 3 हजार लोग देखेगा और गिवअवे के चक्कर में ना 1000 से ज्यादा लोग भाई कमेंट भी कर देगा। तो अगर हम 1-2 लाइक वाला कमेंट भी एक्सेप्ट करें ना, तो 1000 लोगों को पैसा सेंड करने के लिए हमारा तो पूरा फट जाएगा, हम सबको पैसा सेंड भी नहीं कर पाएंगे एक दिन। तो रूल्स कुछ ऐसा है कि आपको सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, एक अच्छा सा कमेंट कर देना है। अगर आपका कमेंट पे 30 से ज्यादा लाइक आ गया, 30 से ज्यादा जितना भी कमेंट्स पे लाइक आएगा, मान लो कि आपका कमेंट पे 30 ही लाइक आया है, तो 30 और 5 मतलब आपको मिल जाएगा 150 रुपीज। ठीक है, अगर आपका में 100 लाइक आया है तो आपको मिल जाएगा 5 गुना 500 रुपीज। ऐसा 5 से 10 विनर हम सिलेक्ट करके पैसा आप लोग को सेंड करेगा। पैसा आप लोग कैसे मिलेगा, हम लोग देखेंगे, सब लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम इसी कमेंट पे आपको रिप्लाई करेंगे कि भाई आपका कमेंट पर 30 से ज्यादा लाइक आया है, आप अपना पेटीएम नंबर इसी कमेंट बॉक्स पे शेयर कर दो, हम उसी नंबर पर आपको पैसा सेंड करके स्क्रीनशॉट भेज देंगे और सारा कुछ प्रूफ मैं टेलीग्राम पर भी पोस्ट करूंगा। तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो अब हम बात करेंगे दोनों टीम्स का प्रोबेबिलिटी इलेवन क्या हो सकते हैं, साथ ही साथ हर एक प्लेयर्स का रिसेंट मैचेस का परफॉर्मेंस, उसके साथ साथ आप लोग मिल जाएगा हर एक प्लेयर्स का ओवरऑल फुल स्टेट। तो दोस्तों अगर हम इस टीम की बात करें तो बी स्मिथ, इनका परफॉर्मेंस देख लीजिए उतना खास नहीं रहा, ठीक है, बट ये बॉलिंग भी करा रहा है तो एज ए सेफ ऑप्शन हमें पिक करना है। इनका ऑल ओवर स्टेट भी दोस्तों उतना खास नहीं है, 5 का एवरेज है, जीएल में आप लोग ड्रॉप कर सकते हो। ये भिलानी इनका परफॉर्मेंस काफी सही रहा, स्मॉल लीग में आपको ड्रॉप कर सॉरी लेके जाना और जीएल में इसको वाइस कैप्टन बनाकर जा सकते हो। इसके बाद की अगर हम बात करें तो लास्ट मैच में बहुत बढ़िया खेला था, हमारा वाइस कैप्टन था, उससे पहले वाला मैच में भी देख लीजिए 17 में 1 विकेट, इसको भी हमें स्मॉल लीग में पिक करना है, इसको आप लोग स्मॉल लीग में कैप्टन बनाकर भी जा सकते हो। ठीक है, जीएल में इसको रिस्क लेकर आप लोग ड्रॉप कर सकते हो। ग्रुप बी, ठीक है, इनके ऊपर ना लोगों का फोकस हट चुकी है, शुरुआत का मैच में इसका सिलेक्शन लगभग 80% के आसपास था, बट अभी देख लो जाके 15-16% है, बट इसका परफॉर्मेंस भी उतना ही बेकार है। बट गाइस स्मॉल लीग में आप लोग ड्रॉप कर दो कोई दिक्कत नहीं, बट एक ऐसा टीम जीएम में वाला जहां पर ग्रुप बी आपका टीम में हो, उसके बाद एम के लिए इनका भी परफॉर्मेंस खराब रहा है, इसको भी हम स्मॉल लीग में ड्रॉप करके जाएंगे। नेक्स्ट इस प्लेयर बहुत ही नीचे आते बट इनका परफॉर्मेंस गजब का है, लास्ट मैच में 5 रन मारा है, बट उससे पहले इनका परफॉर्मेंस देख लीजिए 45 है 72 है और 84 है नॉट आउट रहा है। लोग अभी इसको मतलब ड्रॉप करने के लिए सोच रहे और इसका जो मैंने सिलेक्शन देखा वो 40% के आसपास है, तो आप लोग एज ए सेफ ऑप्शन या फ्रॉम पिक आप लोग के ब्रांड को अपना स्मॉल लीग टीम में शामिल कर लेना। अगर हम बात करें हर एक मैचेस में लगातार विकेट निकल रहा है, स्मॉल लीग में होना जरूरी है, बाकी जीएल में आप रिक्स लेकर ड्रॉप कर सकते हो क्योंकि इनका सिलेक्शन 91% है। ये अगर फ्लॉप हो गया, लास्ट मैच में हमने लिया था, तो ये अगर फ्लॉप हो गया तो गाइस आप जीएल में पक्का अच्छा रैंक लेके आओगे। बाकी सारा खेला तो लास्ट मैच में हमने ड्रॉप किया था, विकेट नहीं मिला, उससे पहले 2, उससे पहले 0, उससे पहले 0। अगर आप सोच रहे हो कि मैं सारा खेला को स्मॉल लीग में शामिल करूंगा तो आप ड्रॉप करके भी रिक्स ले सकते। के बॉयज की अगर हम देखें, ब्रांच की अगर हम देखें तो 12 0 विकेट 2 विकेट यहाँ पर 0, इसको भी आप लोग ड्रॉप करके जा सकते हो और इस प्लेयर का परफॉर्मेंस उतना खास नहीं है। तो मैं थोड़ा क्लियर करके आप लोगों को क्लियरली बता देता हूँ कि किसको किसको किस सिचुएशन पे लेना है। बी स्मिथ स्मॉल लीग में ट्राई करो, स्मॉल लीग में ट्राई करो, इसके बाद स्मॉल लीग में हमारा रहेगा, ठीक है, इसको स्मॉल लीग में ड्रॉप करो, जीएल में ट्राई करो। नेक्स्ट केली को एसएल में भी छोड़ो, जीएल में भी छोड़ो, ठीक है, इस प्लेयर को स्मॉल लीग में छोड़ो, जीएल में ट्राई करो, इस प्लेयर को स्मॉल लीग में ट्राई करो, जीएल में भी ट्राई करो। एलाना की स्मॉल लीग में ट्राई करो, जीएल में आप लोग ड्रॉप करके रिस्क ले सकते हो। सारा गेलन स्मॉल लीग में भी छोड़ो, जीएल में भी छोड़ सकते हो, बाकी दो प्लेयर को भी एसएल जीएल में आप लोग ड्रॉप कर सकते हो। तो बचा रहा है ऐसा कुछ प्लेयर 5-6 प्लेयर इनके साइड से जिसको हम लोग भरोसा कर सकते हैं और इनको लेके हम टीम बना सकते हैं। दूसरी टीम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएगा विनफील्ड हिल, इनका परफॉर्मेंस गजब का है, ठीक है, इसको आप लोग स्मॉल लीग में जरूर पिक करना और साथ ही साथ इसको जीएल में कैप्टन वाइस कैप्टन बनाकर ट्राई कर लेना। सूजी बैट्स का भी परफॉर्मेंस काफी सही रहा बट ये अभी कुछ मैचेस में बॉलिंग नहीं करवा रही है, एक ऑलराउंडर है, इसको भी एज ए सेफ ऑप्शन हमें स्मॉल लीग में पिक करना है। बाकी दोस्तों इस प्लेयर का भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है,
परफॉर्मेंस देख लीजिए, लास्ट मैच में वन डाउन में आया था, 18 रन किया, बट उससे पहले मैच में देख लीजिए 42, 4, 59, 66। तो ऐसा प्लेयर्स को हम स्मॉल लीग टीम में एज ए ट्रम्प पिक ट्राई कर सकते हैं। इनका सिलेक्शन जाके देख लेना बहुत ही कम है, अगर खेलेगा तो मैं पक्का इसको स्मॉल लीग टीम में शामिल करूंगा और साथ ही साथ जीएल में मैं इसको कैप्टन नहीं तो वाइस कैप्टन करके जाऊंगा। बाकी एम कैप की अगर हम बात करें 67 में 1 विकेट, 9 रन, 0 विकेट, 19 रन, 0 विकेट। अब देखिए इनके ऊपर भी ना लोगों का फोकस हट चुके हैं, बट लास्ट सेशन में काफी शानदार परफॉर्म किया था और एज ए सेफ ऑप्शन हम इसको लेके जाएंगे और साथ ही साथ कैप्टन वाइस कैप्टन के बढ़िया ऑप्शन बन जाएगा, क्योंकि लास्ट मैच में फ्लॉप रहा है, ऐसा नहीं कि हर एक मैच में फेल होता ही रहेगा। बाकी मैडी विलियर की अगर हम बात करें तो 0, फिर 0, 2, 0, 1, तो दोस्तों इसको हम यहीं पर ड्रॉप कर देते हैं। ओके, बाकी इस प्लेयर का तो कुछ है नहीं, इसको भी यहीं पर ड्रॉप करो, इसको भी यहीं पर ड्रॉप करो। इस प्लेयर की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो उतना खास नहीं है ना, रिसेंट इसका परफॉर्मेंस अच्छा है, ऑल ओवर भी देख लीजिए 5 मैच खेल के 2 विकेट, उतना खास नहीं है, तो इसको भी हम यहीं पर ड्रॉप कर देते हैं। बाकी दोस्तों अगर हम आर गे की अगर बात करें तो इनका परफॉर्मेंस गजब का रहा है, इस सेशन में 2 मैच खेला, दोनों मैच में 2-2 विकेट लेके आ रहे। इनका ऑल ओवर अगर हम स्टेट उठा के देखें वो भी बढ़िया है, ठीक ठाक रहा है। नेक्स्ट हम एस इस्माइल की अगर हम बात करें, लगातार 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 0-0-0, मतलब जब ये विकेट निकलते मिनिमम 1 से 2, उससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसको कभी भी गलती से कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई ना करें, एज ए सेफ ऑप्शन आप टीम में ले सकते हो। बाकी गैरेट इशू आने वाली इस मैच में, तो ऐसे ही हमें इसको स्किप करना पड़ेगा सर, जब मैं टीम बनाऊंगा बताऊंगा। बाकी लास्ट वाला सोफिया की अगर हम बात करें, 1, 2, 2, 0, 0, 2, काफी शानदार बॉलर है, हर एक मैचेस में 1 से 2 विकेट आप लोग निकाल के दे सकते हैं। और लास्ट 2-9 मैचेस में हम लोगों ने पिक किया था, दोनों मैचेस में हमारा फ्रॉम पिक बना था, हम लोग अच्छा बढ़िया उन्हें किए थे, तो मैं थोड़ा क्लीन करके इनके साइड से भी बता देता हूँ करके किसको लेना किसको ड्रॉप करना है। स्मॉल लीग के लिए सेफ ऑप्शन, जीएल के लिए भी कैप्टन ऑप्शन, ठीक है। सुजीव एक्स स्मॉल लीग के लिए सही ऑप्शन बट नॉट कैप्टन वाइस कैप्टन, ठीक है, जीएल में इसको ड्रॉप कर सकते हो। बाकी इस प्लेयर को हम स्मॉल लीग में शामिल करेंगे, जीएल में आप लोग वाइस कैप्टन ट्राई करना। एम कैप एसएल जीएल दोनों के लिए रहेगा, इस प्लेयर को हम जीएलएसएल दोनों में ड्रॉप करते हैं, इसको भी जीएलएसएल दोनों में ड्रॉप करते हैं, इसको भी जीएलएसएल दोनों में ड्रॉप करते हैं, इसको भी हम जीएलएसएल दोनों में ड्रॉप करते हैं। बाकी आर गे की बात करें, एसएल के लिए बढ़िया ऑप्शन, जीएल के लिए तो है ही, ठीक है, और इसको हम जीएल में ड्रॉप कर सकते हैं, एसएसएमआई को स्मॉल लीग में एज ए सेफ ऑप्शन लेना पड़ेगा। बाकी इस प्लेयर को हम जीएलएसएल दोनों में ट्राई कर सकते हैं, इनके साइड से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 5-6 प्लेयर है इनके साइड से भी, जिसको हम लोग स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हैं, कुछ ऐसा प्लेयर जिसको मैं बता दिया कि किसको जीएल में आप लोगों को ट्राई कर लेना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या रहेगी हमारा ड्रीम टीम। तो दोस्तों विकेट कीपर पर विनफील्ड को मैंने पिक किया, बैट्समैन में मेरा 3 बैट्समैन है, ई भिलानी, सुजीव बेट्स, और ये लास्ट मैच में नहीं खेला था, अगर खेलेगा तो मैं इसको जरूर पिक करूंगा, अगर नहीं खेलेगा तो मैं ड्रॉप कर दूंगा। और इसके जगह पर मैं किसको पिक करूंगा उसका फाइनल अपडेट आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। बाकी के ब्रांड जिसका सिलेक्शन अभी काम हो चुके है, एन इसकी बार हमारा कैप्टन रहेगा, एम कैप हमारा वाइस कैप्टन रहेगा, दोनों बढ़िया ऑलराउंडर है। साथ में मैंने आर गे को भी पिक कर लिया, एलाना किंग भी मेरे टीम पे है, सारा गेलन भी है और एस माइल भी है। तो दोस्तों कुछ कॉम्बिनेशन मतलब आप लोग देखकर पता लग सकते हो, ये एक स्मॉल लीग खेलने के लिए बढ़िया कॉम्बिनेशन है। इनके अलावा जो भी चेंजेस किया जाएगा फाइनल अपडेट आप लोगों को मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम चैनल पर। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक कहाँ पर मिलेगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चला जाओ, आपको लिंक मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया हो, तो एक लाइक कमेंट और शेयर करके जाना, और कमेंट करने से आप लोग 5 गुना पेटीएम के सही सही जीत सकते हो। ओके दोस्तों, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं और एक ऐसा ही दमदार और नेक्स्ट लेवल की वीडियो पर।